तो कुछ अवार्ड के बारे में मेरे सहयोगी नितिन सर आपको कुछ बताएंगे। हेलो हेलो हेलो, सब लोग प्लीज कृपया ध्यान दीजिए, देवा ध्यान दीजिए, आवाज आ रही है सबको भी, सबको आ रही है? ठीक है, इस ईयर इस टाइम में नया कंसेप्ट लेके आया है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, उसे समझने के लिए भी था इसलिए मैं माइक लिया। तो जो कंसेप्ट है दिस इज कॉल्ड एशियन अवार्ड्स, अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ये कंसेप्ट है एशियन अवार्ड्स, इसमें कुछ कैटेगरीज है, फॉर एग्जांपल फेयर प्ले अवार्ड जो किसी टीम को दिया जाएगा, दूसरा एक रहेगा बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड, वो एक प्लेयर को दिया जाएगा। बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड आपको पता ही है, जो पहली बार टूर्नामेंट खेल रहे हैं और बेस्ट ऑन परफॉर्मेंस, उसको अवार्ड दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है बेस्ट कैच का अवार्ड और एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड। अभी तक एशियन ने ये चार अवार्ड फाइनलाइज किए हैं, अगर एज गेम प्रोसेस कोई और भी अवार्ड उनके दिमाग में आता है तो वो लोग उसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अभी जो मेन चीज़ उसके उसके ऊपर आता हूँ, इसका जो सिलेक्शन होगा, द एशियन कमेटी द ऑर्गेनाइजेशन कमेटी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉमिनेटिंग द प्लेयर्स, दे विल नॉट चूज द अवार्ड, दे विल नॉट गिव द अवार्ड टू एनी प्लेयर, दे विल ओनली नॉमिनेट लाइक डेब्यूटेंट 25, इसमें नॉमिनेशन करने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल फेयर प्ले 12, लेकिन बेस्ट कैच के लिए वो नॉमिनेट करेंगे, दीज आर द बेस्ट कैचेस सो फार। उसके बाद जो लोग टूर्नामेंट खेल रहे हैं 156 प्लेयर्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, दीज प्लेयर विल चूज वन ऑफ द प्लेयर अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, तो इसमें रहेगा ट्रांसपेरेंसी, पीपल कैन सेलेक्ट विच इज द बेस्ट कैच अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज। ठीक है, इसमें एशियन का कुछ लेना देना नहीं होगा। तो इसका ओपनिंग एशियन होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करते हो वहाँ जाओगे तो यहाँ पर एक अवार्ड्स का एक सेक्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद दिस इज द पेज। सो फार जैसे मैंने बोला था, बेस्ट डेब्यूटेंट है, एमर्जिंग प्लेयर है, बेस्ट कैच है और फेयर प्ले है। यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा, यहाँ टोटल नॉमिनेशन के नंबर है, जितने भी नॉमिनेशन है, बेस्ट कैच में यहाँ पे 0 होंगे या एमर्जिंग प्लेयर में 0 होंगे, जैसे गेम प्रोग्रेस होगा वो ऐड होते जाएंगे। अब इसको आप लोग वोट कैसे दे सकते हो, सी डी टेस्ट में जाओ, फॉर एग्जाम्पल फेयर प्ले में जाता हूँ जहाँ पर 12 नॉमिनेशन ऐड किए गए हैं। ये 12 नॉमिनेशन कौन है, ये टीम्स हैं, टीम है उनके ओनर है, जैसे नोना जी आएंगे उस पर रुपेश जी दिख रहे हैं, फिर अभिजीत है, तो अभी सबको देखना 0-0-0 दिख रहा होगा, 0%। सिर्फ एक टीम है जिसको 100% है, ये टेस्टिंग के लिए मैंने वोट दिया था, अगर मैं किसी और को वोट देता हूँ, अब यहाँ पर एडमिन लॉग इन है तो मुझे वहाँ पर ऑप्शन नहीं आया। अगर आप लोग इस पेज पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक लाइक का सिंबल आता है, जैसे फेसबुक में रहता है, तो उसके ऊपर लाइक करने के बाद आपका वो लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि एक बार आपने वोट दे दिया खत्म, टिल द लास्ट डे ऑफ द टूर्नामेंट यू कैन चेंज मॉडिफाई योर वोट, और यहाँ पर एक वोट ही शामिल होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने एक टीम को वोट दिया है किसी को, अगर मैं इसको वोट देता हूँ तो यहाँ का कैंसिल हो जाएगा और ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा, और इसमें डेमोक्रेसी में मेजोरिटी विंस, तो जिसको मैं मेजोरिटी वोट्स मिलेंगे वो होगा फिलहाल। और सेकेंड बात, किसने किसको वोट दिए वो किसी को पता नहीं चलेगा, यू आर आई कांट एज अ डेवलपर, मुझे भी ये पता नहीं चलेगा, ये सीक्रेसी है इसमें, तो किसने वोट किसको दिया कभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस, ठीक है, चलो।